11 मार्च को जब द कश्मीर फाइल्स 3.5 करोड़ पर खुली तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। सितारे कम थे। विवेक अग्निहोत्री की पिछली फिल्म ने लाइफटाइम ग्रॉस 20 करोड़ की थी। यह एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही इसने बाहुबली को मात दे दी। एक फिल्म के लिए यह अप्रत्याशित था कि 200 करोड़ के आंकड़े को पार करने के लिए केवल 30-40 करोड़ की कमाई की उम्मीद थी। कई लोगों का तर्क है कि फिल्म की सफलता इसकी गुणवत्ता के कारण है। क्रिटिक्स ने फिल्म की तारीफ की है, जबकि यह एक मान्य बिंदु है, कोई मिसाल नहीं है। उल्लेखनीय फिल्मों ने पहले दर्शकों को खोजने के लिए संघर्ष किया है। एक आदर्श दुनिया में प्रत्येक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करेगी, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ ने फिल्म को सामान्य उलटफेर से बचने में मदद की। विश्लेषक अतुल मोहन कहते हैं, पहले कुछ दिनों की कम उपस्थिति के बाद मल्टीप्लेक्स छोटी फिल्मों के लिए स्क्रीन की संख्या कम कर देते हैं। ऐसा नहीं था, उच्च मांग के कारण उन्हें स्क्रीन जोड़नी पड़ी, लेकिन मुंह की बात भी केवल इतनी दूर तक जा सकती है। अन्य फिल्मों ने छोटी ओपनिंग से लाइफटाइम बड़ा कलेक्शन किया है, लेकिन इतना बड़ा कभी नहीं। पिंक, नीरजा और क्वीन जैसी फिल्मों को सकारात्मक वर्ड ऑफ माउथ से फायदा हुआ है। द कश्मीर फाइल्स ने पहले दिन 3.55 करोड़ की कमाई की। पिंक ने पहले दिन 4.18 करोड़, नीरजा ने 4.62 करोड़ और क्वीन ने 1.7 करोड़ कमाए। लेकिन इनमें से किसी भी फिल्म ने भारत में 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई नहीं की। दो हफ्ते बाद द कश्मीर फाइल्स के पास 207 करोड़ हो गए हैं। संदेश उत्तर है, कश्मीर फाइल्स राष्ट्रवाद और देशभक्ति से जुड़ी थी, सरकारी समर्थन अर्जित कर रही थी। बेशक प्रधानमंत्री का शब्द मदद करता है। फिल्म को तब बढ़ावा मिला जब पीएम मोदी ने संसद में इस बारे में बात की। उस भाषण और विपक्ष के राजनीतिक खंडन ने फिल्म को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। वो मुफ्त प्रचार है। उरी के साथ भी ऐसा ही हुआ। साथ ही पीएम के समर्थन ने बॉक्स ऑफिस की कमाई को बढ़ावा दिया। अतुल मोहन।